बेटा नर्सरी, अमन और महेश को कहो नाश्ता तैयार है। वो दोनों अपने कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ होंगे? अब्बू के कमरे में होंगे, वहाँ जाकर देख लो। अब्बू तो यहाँ ही बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाकर देखो, मैं अब्बू से पूछती हूँ। जी। सुने, अमन और महेश अपने कमरे में नहीं हैं। आपको कुछ कहकर गए हैं? सुनिए ना। ओफो, आप तो मेरी किसी बात को भी संजीदगी से लेते ही नहीं हैं। सुने, सुनिए, आप कुछ कहते क्यों नहीं? सुनिए। अभी अभी वो दोनों बाहर नहीं है। नसरीन, अपने मामू को फोन करो और उनसे कहो कि डॉक्टर को साथ लेकर आए। जल्दी करो। सुनिए, अल्लाह रहम, क्या हो गया आपको? कुछ कहिए ना। सुनिए, या अल्लाह। मामू, क्या हो गया अबू को? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। परवेज, क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहे हैं कोई सदमा है। सदमा? किस बात का? ये तो आप ही बता सकते हैं। मुझे तो कुछ नहीं पता भाई। अच्छा, किसी बात को लेकर उनसे कोई बहस हुई है आपकी? नहीं, किसी बात पर बहस नहीं हुई। बल्कि जब मैं सुबह गई तो इसी हाल में पाया मैंने इनको। या अल्लाह, कैसी कयामत आ गई है हम लोगों पर। आप फिक्र न करें, आप जब तक हालात नहीं सुधर जाते हम यहीं रहेंगे आप लोगों के पास। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे हाँ, वो अमन नजर नहीं आ रहा। वो भी पता नहीं कहाँ गए हैं। दो चार जगह मैंने फोन किया था, कोई खबर नहीं मिली। बिना बताए कहाँ जा सकते हैं? अरे राजेश, तुम अभी तक कैंप में ही हो? बड़ी मुश्किल से छुट्टी मंजूर हुई है तुम्हारी। चलो भाग लो यहाँ से अब। सूरज ढलते ही निकलूंगा। और हाँ, पूरी बटालियन की तरफ से तुम्हारी बहन को मुबारकबाद जरूर देना। आई विल, थैंक यू। अरे राजेश, राजेश, सॉरी यार, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हें अपना घर वापस जाना कुछ दिन के लिए डिले करना होगा। ऊपर टेंशन फिर बढ़ गई है, सबकी छुट्टियां कैंसिल करने का ऑर्डर निकला है। ये बुरी खबर नहीं है। वतन के आगे बहन की शादी कोई मायने नहीं रखती। और सच पूछो तो जस्सी की मौत के बाद मैंने कसम खाई थी कि इन पाकिस्तानियों को यहां से खदेड़ कर भगा दूंगा। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। गायत्री, गायत्री आ गए आप? हाँ। बड़ी देर लगा दी। वो आतिशबाजी वाले से मिलना था ना, इसलिए देर हो गई। सारे काम हो गए? हाँ, बद्री को महाराज है ना चौबे, उनके यहाँ भेजा है। शादी के 3 दिन पहले से ही यहाँ अपना चूल्हा लगा लेगा। 3 दिन पहले की क्या जरूरत है? पूरा घर भरा होगा, सबका खाना तुम बनाओगी क्या? छोड़िए ये बात। चांदनी का है? अपने कमरे में। कोई फोन आया था? वहां इतनी गोलीबारी चल रही है, कहां किसी को वक्त मिलेगा फोन करने के लिए। तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं राजेश के फोन की इंतजार कर रहा हूं? अच्छा, मैं आपको जानती नहीं हूं क्या? बहन की शादी है और अभी तक कोई खबर नहीं है। उसने कहा है ना कि वो आएगा, सो आ जाएगा। मेहमानों की तरह सारे काम करने के लिए मैं हूं ना यहां। अगर ये राजेश हुआ ना, तो अभी अभी आपने उसके बारे में जो कुछ भी कहा ना, सब वापस लेना होगा।
जी हेलो, चांदनी यहीं रहती? हाँ। लेकिन आप कौन? मेरा नाम अमन है, मैं उसे कुआलालंपुर से जानता हूँ। अच्छा अच्छा, चांदनी के दोस्त हैं आप। आइए आइए, अंदर आइए। जी शुक्रिया। अपनी शादी के लिए बुलाया हुआ अपने दोस्त को चांदनी ने। इतनी जल्दी? हाँ ना, बैठो ना, बैठो बैठो। जी शुक्रिया, बैठो। मैं चाय बोल के आती हूँ। हाँ जी, वो चांदनी? चांदनी घर में है, अभी बुलाता हूँ। चांदनी, चांदनी। क्या बात है केदार? बीजी चांदनी के दोस्त आए हैं। चांदनी कहाँ है? अपने कमरे में होगी। चांदनी, चांदनी आओ। बीजी मैं मिलवाता हूँ। बीजी ये हैं चांदनी के दोस्त अमन, कुआलालंपुर से चांदनी को जानते हैं, और ये चांदनी की दादी। जय राम जी की। अस्सलाम वालेकुम। वो जवाब में क्या बोलते? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चांदनी के साथ पढ़ते हो? जी नहीं। तो पर उससे पहचान कैसे हो गई? अगर तकदीर मिलाना चाहे तो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेती है। आपने मुझे बुलाया पापा? चांदनी। अमन। चांदनी। तुमने तो हमें कभी नहीं बताया चांदनी कि तुम किसी और अमन को भी जानती हो। पापा मैंने बताया था। बताया था? कब बताया था? जब आपने फोन पर मुझसे पूछा था कि मुझे अमन पसंद है या नहीं। चांदनी, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? जब मैं अन्नू से मिलने जा रही थी तो मुझे इत्तेफाक से ये अमन मिल गए। मुझे लगा ये वही अमन है जिनसे पापा मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? तकदीर को शायद यही मंजूर था सर, इसलिए चांदनी की मुलाकात हिंदुस्तान के अमन मलिक से नहीं हुई, मुझसे हुई। मेरा नाम अमन सरफराज मलिक है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। पाकिस्तान से? सरहदों को बीच में मत आने दीजिए पापा, मैं और अमन एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर ये मसला मुल्क का नहीं, मोहब्बत का है। निकल जाओ तुम यहां से, निकल जाओ। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मामा तू चुप रहे, इसे कह दे यहां से निकल जाए। जहां से आया वहां से चिंगे, जाओ तुम यहां से। व्हाट से? प्लीज चुप हो जाओ। देखिए आप क्या कह रहे हैं इस वक्त हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जहां तक इस लड़की का सवाल है, हो सकता है नादानी में से कुछ भूल हो गई हो। पापा लेकिन तू चुप रह। अगले हफ्ते इसकी शादी होने वाली है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपका और चांदनी के बीच जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर आप अपने वतन वापस लौट जाएं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने चांदनी को बुलाने की कोशिश नहीं की, बुला सकता तो अपनी सरहद पार नहीं करता। मैं यहां चांदनी से निकाह कर रहा हूं। निकाह का नाम लिया तो आपकी हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ है सर। ये मेरे होटल का
नंबर और पता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। खुदा हाफिज़। अरे पॉप बीजी, अरे बीजी तो मुझसे इतनी इंप्रेस है, इतनी इंप्रेस है कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे आखिर पॉप कब तक आप एक एक हीरे को अपने घर में छिपा कर रखेंगे? हीरा? अरे खुद की तारीफ करते वक्त कुछ तो शर्म किया कर। शर्म? अरे पॉप कैसी शर्म, जो सच्चाई है सो है, यू नो, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट। एक्सेप्ट द फैक्ट? सच्चाई सुनना चाहता है? ओए, जब मैंने तेरी मम्मी से शादी की थी ना, कौशल्या से पूछ लेना, उसके घर वाले मुझसे इतने इंप्रेस थे यार, इतने इंप्रेस थे। मैं बोलता था बैठो, वो बैठ जाते थे। मैं बोलता था उठो, वो उठ जाते थे। और यार वो मेरी सास, तेरी नानी, मुझसे इतना डरती थी, घर के बाहर कदम रखने से पहले मुझे फोन करके मेरी इजाजत लेती थी। सही बाप। लगता है आप मॉम को छोड़ के और सभी को इंप्रेस करने में लगे थे। हाँ क्यों, कौशल्या को मैंने वो फूल नहीं दिया था क्या? अरे पॉप फूल, अरे पॉप फूल से क्या होता है? वो क्यों है तेनू, हैं क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि पॉप चांदनी के सभी घर वाले, आई मीन सभी घर वाले मुझसे बहुत इंप्रेस है। लेकिन क्या चांदनी, एक्सक्यूज मी, मुझसे कोई मिस्टर राहुल मिलने आए थे? नो सर। नहीं आए? ओडल जी क्या? नहीं थैंक यू। अब बोले तो मेरा थोपड़ा इतना गया गुजरा नहीं होए कि तुमने हमको देख के अपना मुंह फिरा दिया। खैर डालडा जी के डॉलर चाहिए? ओ भाई अगर तुमको इधर टाइम पास करने का ना, तो पप्पू भाई के परमिशन के बगैर तो कुत्ता भी अपना पूछ नहीं लाएगा। देखिए मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ, आप प्लीज। तुम्हारे बात से मेरे को लगता है तुम गालिब चचा का वेट कर रहा है। मस्कत से आया क्या? नहीं दुबई से आया। पप्पू भाई को पोपट लगा रहा है क्या? सीधे सीधे बोलना पाकिस्तान से आया है। मेरे को मालूम गदर देख के इधर गदर करने के लिए आया है तू। यहाँ क्या अमीषा पटेल का वेट कर रहा है? नहीं तो महेश के भाई राहुल का वेट कर रहा होगा तू। और अगर तू राहुल का वेट कर रहा तो राहुल तो तेरे सामने खड़ा है। अमन सरफराज मलिक भाई, आदाब। राहुल? अभी भाई क्या मैं आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं? राहुल राहुल, तुमको कार्ड देता है ना अपना विजिटिंग कार्ड, ये लो, ज्यादा मत देखना कंफ्यूज हो जाएगा। मैं खुद देख के कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरा क्या ना बिजनेस फैला हुआ है, पापी पेट का सवाल है। वैसे तुमसे एक शिकायत है भाई। किस बात की? अरे भाई हमको बता देना चाहिए था ना कि तुम कौन से फ्लाइट से आ रहे, टैक्सी लेके सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता। नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं भाई मेरे को ज़रूरत है, कार्ड नहीं पड़ा, मेरा टैक्सी का भी सर्विस है। मजाक कर रहा है। वैसे भी एयरपोर्ट आने का कोई फ़ायदा नहीं था, इमिग्रेशन और कस्टम से निकलते निकलते 3 घंटे लग गए, बहुत वेट करना पड़ता। हाँ ये कस्टम वाले बहुत पकाते हैं, उनको क्या लगता है ना जैसे पाकिस्तान से जो भी आया बैग में बॉम्ब लेके आया। अच्छा भाई वो तुम लोग को आने के बाद वो क्राइम ब्रांच में जाके हाजिरी लगाना पड़ता हो गया? हाँ एयरपोर्ट से सीधा वहीं गया था। चलो फर्स्ट क्लास। अब मतलब की बात करें, डॉलर लाया, जाने दो रो मत, कुछ टीवी वीडियो मोबाइल कैमरा? हाँ एक कैमरा है। किधर है? ऊपर कमरे में रखा है। वेरी गुड, नीचे टपका, मेरा मतलब है ले क्या, मैं एक जादू दिखाता है। हेलो 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 फ्रेंड, आई क्लिक योर पिक्चर, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। नो थैंक यू। व्हाई नो थैंक यू? माय कैमरा, माय रोल, माय मनी। आई क्लिक वन सेकंड, आई क्लिक वन फोटो। ओके यू लुक ब्रूक शील, यू लुक टॉम ऑल्टर, हॉलीवुड एक्टर। वन सेक, वांट टू सी? या
See, you also touch. See. Very good. Camera, one camera cover free. I give you discount. Two battery free. Really? How much is it? It is only 10,000. Only 10,000. Only 10,000. Rupees? Yes, rupees. Fulus. Yes. You buy? Yeah. Okay. Oh, sorry, sorry. No card. मैं दुनिया को बनाता तू मेरे को बनाएगी? Money. Cash. Cash, cash, hard cash. You click picture. Your wife? No. बोलना है. Thank you. क्या गोले फेंके दोस्त अंग्रेजों पर. ये देख 10,000 रुपए में सौदा फिक्स किया. तो भी बनाना पड़ता बॉस. अब तू मुझे पूछेगा तूने टोपी क्यों बनाया. तेरे पूछने से पहले मैं जवाब टपका देता हूँ ना. अब क्या है, आज़ादी से पहले ही अंग्रेजों ने हमें बहुत टोपी पहनाया. दूसरी बात, अगर ये कमबख्त नहीं होते तो पार्टीशन नहीं होता. फिर तुझे वीज़ा लेके चांदी को नहीं मिलना पड़ता है कि नहीं. ए ले गट्टी रख, लेकिन इसमें से 10 पत्ती मेरे. अब तू मुझे पूछेगा क्यों नहीं, पूछ ना. मैं बता देता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ क्या है. बार बार तुझे होटल में मिलना आना पड़ेगा ना मेरे को, है कि नहीं. अच्छा एक बात और, गुड नाइट को उर्दू में क्या बोलते हैं. शब बखैर माय फ्रेंड. तुम जाओ जाके आराम से सो जाओ. शब बखैर. वीजा सिर्फ 7 दिन का है. जो कुछ भी करना है 7 दिनों में करना है. हैं? शब बखैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हेलो परवेज मामू, सलाम अलैकुम. अमन, आपा आपा, अमन कहाँ हो. अमन, अबू ने आपको बताया नहीं, मैं हिंदुस्तान में हूँ. क्या क्या कह रहे हो. जी लेकिन क्यों. मामू वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ आने का मकसद क्या था. फिलहाल मैंने इसलिए फ़ोन किया था बस ये बताने के लिए कि मैं यहाँ ठीक हूँ. अम्मी को बता दीजिएगा प्लीज़. लेकिन अमन, किसका फोन था परवेज. अमन का, वो हिंदुस्तान में है. हिंदुस्तान.